Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Article 355 in Manipur. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इज इट इम्पोज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वाई आज इट इन न्यूज़ आखिरी आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव न्यूज में क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए आफ्टर द रिसेंट बाउंड ऑफ अनरेस्ट एंड वायलेंस इन मणिपुर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर सिक्योरिटी रिस्पॉसिबिलिटीज़ बाय इन आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली रिसेंटली मणिपुर अनरेस्ट काफ़ी न्यूज में है एंड वहाँ के बढ़ते वायलेंस के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली मणिपुर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हैंड में ले ली है एंड मणिपुर में आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज कर दिया है अर्लियर एक अदर वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मणिपुर में जो रिसेंट वायलेंस हो रहा है उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो तो प्लीज़ आप मणिपुर वाइड स्प्रेड अनरेस्ट वाली वीडियो को पहले देख लीजिए तो इस वीडियो को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा सो so, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले जरा उसको समझते हैं सो so, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव इन बुक इन मणिपुर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे समझेंगे वाई आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोज इस आर्टिकल को क्यों इम्पोज किया जाता है उन सारी बातों को समझेंगे एंड लास्टली वी विल डिस्कस हाउ आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स थ्री फिफ्टी फाइव एंड थ्री फिफ्टी सिक्स में क्या डिफ्रेंसेज है उन सारी बातों को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मणिपुर में एक्जैक्टली exactly हो क्या रहा है उसको जरा एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं देखिए एक एक्चुअली मणिपुर में मैतई पीपल वहाँ के जो डोमिनेंट पीपल हैं मींस जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो एस टी स्टेटस की वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं एंड इस डिमांड के अगेंस्ट में वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने फोर्थ ऑफ मई को यहाँ पर एक सॉलिडेट्री मार्च निकाली थी आफ्टर दैट इन दो ग्रुप्स के बीच में वहाँ पर क्लैसेज हुए थे एंड ये क्लैसेज पूरे स्टेट में वाइड स्प्रेड हो चुकी है एंड देखते देखते वहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी होने लगी है एंड रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टिल डेथ वहाँ पर फिफ्टी से ज़्यादा मोर देन फिफ्टी सिविलियंस की डेथ हो चुकी है एंड मोर than ट्वेंटी थ्री थाउजेंड पीपल वहाँ पर डिसप्लेसड हो चुके हैं मैं समझिए सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर आसपास के स्टेट में वहाँ पर जाने को मजबूर हो गए हैं घर छोड़ के भाग रहे हैं कुछ इस तरह का इमेज वहाँ के लिए नॉर्मल बात हो गई है जितने भी ये वॉयलेंट पीपल हैं वो हर जगह यहाँ पर आगजनी वगैरह कर रहे हैं लोगों को मार रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर रिसेंट मामला है एंड इस वॉयलेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इसे रोकने की कोशिश कर रही थी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर सूट एट साइट ऑर्डर जारी किया था मीन्स जो लोग वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं उन्हें देखते ही गोली मारने की आदेश दी गई थी बट फिर भी वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इस वॉयलेंस को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्सेस नहीं हो पाई है एंड फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हैंड में लेकर वहाँ पर आर्टिकल 355 को इम्पोज़ किया है एंड वहाँ पर मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया है एंड अकॉर्डिंग टू अगर हम स्टेट पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर के कुछ पार्ट्स में इंडियन एयरफोर्स की टीम को भी डिप्लॉय किया गया है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने मणिपुर में आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव को इनबोक करने का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स मणिपुर में आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज किया गया है सो so, आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या प्रोविजन है जो यूनियन गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना देती है कि वो किसी स्टेट की सिक्योरिटी को अपने हैंड में लेकर वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर सकती है तो इन सारी बातों को आगे जरा समझते हैं देखिए यहाँ तक क्लियर हमने समझ लिया अब जरा हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको ज़रा डिस्कस करते हैं देन आफ्टर वी विल डिस्कस हाउ आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स अगर आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव की बात करें तो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एटीन में ये पॉइंट याद रखिएगा पार्ट एटी में इसके प्रोविजन किए गए हैं अगर एग्जैक्टली exactly अगर हम बात करते हैं कि क्या बातें की गई यहाँ पर देखिए इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जो इमरजेंसी एंड जो एक्सट्रीमली रेयर सरकमस्टांस होते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं एग्जैक्टली exactly क्या मैंशन किया गया है जरा उसको भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिटर्न है इट सैल बी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा इट सैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस मीन्स यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सभी स्टेट को प्रोटेक्ट करे ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मणिपुर के एक से हम समझते हैं कि मणिपुर की बाउंड्री म्यांमार से टच करती है एंड म्यांमार यहाँ पर मणिपुर में मान लीजिए अटैक कर देता है तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो मणिपुर को प्रोटेक्ट करें एंड जो सेकंड रीजन बताया गया है ये बताया गया है इंटरनल डिस्टर्बेंस इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी अगर हम मणिपुर के एग्जाम्पल्स ये समझते हैं तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मणिपुर की कंडीशन ऐसी हो गई है कि तो वहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर है या जो पुलिस है पूरी तरह से फेल हो गई है जैसा ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं तो वहाँ पर जो पीपल हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का राइट अब किसके पास आ जाएगी किसकी ड्यूटी हो जाएगी ये हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन गवर्नमेंट की मीन्स यूनियन गवर्नमेंट की वहाँ पर ड्यूटी हो जाती है कि वो वहाँ की पीपल की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उससे उनकी रक्षा करें उन्हें प्रोटेक्ट करें एंड सेम कंडीशन हम मणिपुर की बात करें वहाँ भी हो गई है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की जो वॉयलेंस है उसे कंट्रोल करने में सक्सेस नहीं हो पा रही है सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज कर दिया है तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब यूनियन गवर्नमेंट किसी स्टेट पर आर्टिकल 355 को इम्पोज करती है तो वहाँ की जो पब्लिक ऑर्डर है जो पुलिस वगैरह है सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है मीन्स वहाँ की पुलिस वगैरह अब किसकी बात मानेगी सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट जो कहेगी उसकी बात मानेगी एंड आर्टिकल 355 फिफ्टी फाइव इम्पावर द सेंटर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट द इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल एग्रेशन ये हमें ध्यान रखना है टू पॉइंट क्या क्या एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ पर स्टेट की रक्षा करे प्रोटेक्ट करे एंड इसके लिए वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज कर देती है एंड इस आर्टिकल में भी मैंसन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगी कि स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रन करें मीन्स ऐसा नहीं है कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव इम्पोज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व हो जाती है डिसमिस हो जाती है ऐसा नहीं होता है ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है फॉर द सर्टेन टाइम यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं सारे पावर आ जाती हैं जो भी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुलिस वगैरह पब्लिक ऑर्डर वगैरह का पावर किसके पास आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है बट ये सर्टेन टाइम के लिए होता है तो यहाँ तक क्लियर है ये हमने समझ लिया कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव क्या है किस कंडीशन में वहाँ पर इम्पोज़ की जा सकती है तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी सिक्स से कैसे डिफरेंट है मीनस तो यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव में यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी को डिफाइन किया गया है उसमें कहा गया है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या जो एक्सटर्नल एग्रेशन है वैसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है बट आर्टिकल 356 में क्या है कि यहाँ पर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उनके फेल होने की कंडीशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं कि मान लीजिए कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वहाँ की सी है वहाँ की जो स्टेट लेजिस्टिव असेंबली है वो फेल्योर हो जाती है तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाएगा उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि इंटरनल डिस्टरबेंस होगा या जो एक्सटर्नल एग्रेशन होगा वैसी कंडीशन में आर्टिकल 355 फिफ्टी इम्पोज़ किया जाएगा बट 356 में ऐसी कंडीशन के प्रोविजन किए गए हैं लाइक मान लीजिए कि स्टेट की पार्टी कोई भी पार्टी है सारी पार्टियाँ मिलकर भी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ पर क्या होगा प्रेसिडेंट रोल इम्पोज कर दिया जाएगा एंड सारे पावर क्या हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है एंड अदर कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें गवर्नर ऑफ़ द स्टेट खुद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करें कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रन नहीं कर सकती है सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के सारे लेजिस्टिव पावर जो वगैरह है वो अपने हैंड में ले, ले लेते हैं और डायरेक्ट और गवर्नर के थ्रू क्या करते हैं वहाँ पर स्टेट को रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर समझने वाली पॉइंट ये है कि आर्टिकल थ्री में क्या होता है कि आर्टिकल 356 में जो स्टेट असेंबली होती है वो डिजॉल्व हो जाती है बट आर्टिकल 355 में स्टेट असेंबली डिजॉल्व नहीं होती है ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पुलिस वगैरह पावर वगैरह जो है पब्लिक ऑर्डर वगैरह के पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट है अपने पास ले लेती है बट पूरा का पूरा जो असेंबली होती है वो डिजॉल्व नहीं होती है मीन्स यहाँ पर ध्यान के रखना है कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव दो ही कंडीशन में इम्पोज की जा सकती है एक तो हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या दूसरी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है उसकी कंडीशन में बट आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स को इम्पोज करने के लिए बहुत सारी कंडीशन है जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी कर चुके हैं बहुत सारी कंडीशन मान लिया कि गवर्नर ऑफ स्टेट ऑलरेडी वहाँ पर रिकमेंड कर देते हैं कि भाई यहाँ पर स्टेट असेंबली सही से नहीं चल सकती है तो उसे डिजॉल्व कर दिया जाएगा कोई पार्टी वगैरह वहाँ पर अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है तो उसके लिए अलग बहुत सारे क्राइटेरिया हैं तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि थ्री फिफ्टी सिक्स में आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में जो स्टेट असेंबली होती है वो डिजॉल्व हो जाती है बट आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव में स्टेट असेंबली डिजॉल्व नहीं होती है एंड फॉर द सर्टेन टाइम के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ पावर आ जाता है मीन्स ये जो थ्री फिफ्टी फाइव है ये थ्री फिफ्टी सिक्स से पहले वाली कंडीशन है मीनस ऐसा नहीं है कि थ्री फिफ्टी सिक्स डायरेक्टली इम्पोज़ किया जा सके रियली क्या होता है कि थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं होती है कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो मेनली हम क्या देखते हैं थ्री फिफ्टी सिक्स को इम्पोज किया जाता है जनरली हम तो यही देखते आ रहे हैं बट कंडीशन अगर ऐसी बन भी जाती है कि थ्री फिफ्टी फाइव को इम्पोज किया जाए जा तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो 355 को इम्पोज करें आफ्टर डैट अगर लगता है कि वहाँ पर जो स्टेट मशीनरी है पूरी तरह से फेल्योर हो गई है देन आफ्टर वो आर्टिकल 356 को यहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं होता क्या है कि 356 फिफ्टी सिक्स को इम्पोज करना सही नहीं माना जाता है क्योंकि ऑलरेडी समझिए कि स्टेट में क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है एंड उसे डिजॉल्व करना भी एक्स्ट्रीम मेजर माना जाता है मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉमन मेजर माना जाता है ये कुछ बेसिक डिफ्रेंसेज हैं यहाँ पर तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग